हे वेलकम बैक, स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टअप स्टॉक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कौन सा नया इनोवेशन आने वाला है अगले 5 साल में, फिर 10 साल में कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया है, उसमें हम बात कर रहे होते हैं स्टार्टअप स्टॉक्स में। बिजनेस लाइन के ऊपर जो चल रहा होता है उसको हम डेट लेते रहते हैं, अगर चल क्या रहा है बिजनेस लाइन के ऊपर, ताकि हम जब बिजनेस करें तो बिजनेस फेल होने का चांसेस कम हो। एक फैक्ट आपको बता दूं कि इंडिया का जो बिजनेस है वो फेल होता है, रिसेंटली स्टार्टअप है वो फेल होता है पहले 5 साल के अंदर। रीजन क्या है? लैक ऑफ एग्जिट इन इनोवेशन। जो एक्चुअल चाहिए था हमारे कस्टमर को वो हमारे स्टार्टअप्स नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से हमारा स्टार्टअप फेल होता है। तो इसी इनोवेशन के ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो स्टार्टअप होगा वो फेल होने का चांसेस कम होगा। तो इसी कारण से हम इन्हीं सारी चीज़ों बात करते हैं स्टार्ट स्टॉक्स में, कि कौन सा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है और क्या किया जाना चाहिए ताकि सही तरीके से चले। तो पहली खबर डेट निकल के आती है स्पेसटेक कंपनी की तरफ से, जिस तरीके से इलॉन मस्क की अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एक्स, उसी तरीके से इंडिया का जो है स्काईरूट है, बहुत सारा इंडिया का भी दो चार है लेकिन उसमें से एक स्काईरूट है, वो जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। उसका अपडेट निकल के आती है कि काफ़ी सही तरीके से वो काम कर रही है और पहली इंडियन प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रॉकेट लॉन्च करने वाली है। और ये स्काईरूट कंपनी, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, स्काईरूट काफ़ी सही तरीके से काम कर रही है इसके ऊपर, स्पेसएक्स की तरह कोशिश कर रही है और अच्छी काम करेगी। यहाँ फिर से अगली खबर डेट निकल के आते हैं स्टार्टअप्स की तरफ से, बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, और खबर डेट निकल के आते हैं गुरुग्राम यानी कि दिल्ली का जो स्टार्टअप कंपनी है उसकी तरफ से आती है कि ये जो है बना रहा है एक तरह से फ्लिपकार्ट टाइप का कंपनी, अपना ओरिजिनल कंपनी बना रहा है। इनका थोड़ा सा मकसद रहेगा कि जो फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करते ही रहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बूम आने वाला है। तो बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे कंपनियां हैं, उन्हें लगता है कि इसके ऊपर बूम आने वाला है तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो है सही तरीके से जो है अगले 5 साल में उनका जो इनोवेशन सही तरीके से काम करे और इसके ऊपर वो बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और ये सही भी है, इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट होंगे तो पेट्रोल का प्राइस जनरली बढ़ा हुआ रहता है और इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट होना सही निर्णय होगी किसी भी स्टार्टअप कंपनी के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। या फिर से अगली खबर निकल के आती है फंडिंग की तरफ से, और एडटेक कंपनी यानी कि एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, जितने भी एजुकेशन उसको टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट कर देते हैं एडटेक कंपनी आती है, तो उन्हें जो है फंडिंग मिली है $1.5 मिलियन का अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। ये है टेकी कंपनी जिसे जो है फंडिंग मिली है $1.5 मिलियन का अपने बिजनेस को और भी स्केल करने के लिए। या फिर से अगली खबर निकल जाती है अंतिम खबर, मार्केट में आज निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो राइज करी है। निफ्टी लगभग +0.51% राइज करी है और सेंसेक्स जो है लगभग 0.02% राइज करी है। वैसे ये थी आज की अपडेट, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो आता रहता हूँ। इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।